सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो पास्ट एडजस्टमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है उसके हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज जो तुम्हारे पास पास्ट एडजस्टमेंट की लास्ट क्लास है, ठीक है, तो उसके बीच में तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो उसे देखना भाई। देखो पहले मैं तुम्हें ना और जो भी बातें होती है वो सारी की सारी बात समझा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद समझना क्या चीज़ है भाई, तुम्हें एक बात समझ के चलनी है कि जो मेरे पास पास्ट एडजस्टमेंट है, इसका मतलब सबको पता है हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग करते करते हमसे कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें क्या होता है, हमसे कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, तो उस गलती को इम्प्रूव करने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए हमें एक मौका मिल जाता है। जैसे मान लो 11th क्लास के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें क्या था भाई हमारे पास कि अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो उसमें से हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक। उसी सेम तरीके से जो पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है एक ऐसा तरीका है जिसमें जो हमने गलती कर दी उसको सुधारते हैं, ठीक है। तो मैंने तो बताया था कि भाई गलती हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, एक मेरे पास तो भाई सिंगल मिस्टेक, ठीक है, एक मेरे पास क्या हो सकती है, सिंगल मिस्टेक हो सकती है, और अगले मेरे पास क्या है, मल्टीपल मिस्टेक। ठीक है भाई, मल्टी जो मेरे पास मल्टीपल मिस्टेक का मतलब क्या है, टू और मोर मिस्टेक, ठीक है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। सबसे पहले मान के चल लो कि मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ कि सिंगल मिस्टेक का मतलब है वी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% इंस्टेड ऑफ 10%। इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 10%। क्या है भाई इसका मतलब, 9% मेरे पास कह के देखो, मैंने 9% दे दिया है, मैं बोल रहा हूँ कि प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 10%। इसका देखो भाई इंस्टेड का मतलब है के बदले, क्या इसका मतलब हिंदी में इसको क्या बोलूँ भाई मैं, के बदले, ठीक है। तो मैंने बोला 9% किसके बदले भाई, 10% के बदले। तो मैंने क्या बता दिया कि कभी भी अगर मैंने, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि मैंने क्या कर रखा है, 9% दे दिया किसके बदले, 10% के बदले, तो 10% के बदले मैंने क्या दिया भाई, 9% दे दिया, एक गलती हो गई। तो इसके अंदर ना तुम्हें कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ा है, तुम्हें इस टाइम उस मेथड को फॉलो करना है, जैसे मान के चलो जो जो मैंने गलत दिया पहले उसको दे दो, ठीक है, और जो सही दिया उस वाले को माइनस कर दो। बातें तो लग रही है, गलत वाले को पहले बांट दो पार्टनर के बीच में, ठीक है, फिर जाके सही वाले को इस तरीके से करना होता है। मैं तुम्हें इसका आज एक तरीका बताऊंगा, मतलब आज एक फाइनल है, तो मैं तुम्हें जो भी तुम्हारे सामने सरकमटेंसेस अराइज हो सकते हैं, जो जो बातें तुम्हारे सामने आ सकती है ना, मैं वो सारी की सारी बातें बताऊंगा। मेरे पास अगला है जो टू और मोर मिस्टेक, तो मैंने इसमें बताया था कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, मैंने तुम्हें ये वाली बातें बताई थी, ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का मतलब क्या, हम एक टेबल बनाते हैं जिसको जिसका फॉर्मेट हमें पहले से पता रहता है, बात समझ आ रही है, एक हम टेबल बनाते हैं जिसका फॉर्मेट हमें पहले से पता होता है, ठीक है, उसको जाके हम क्या है कि बना के सॉल्व करते हैं इसके अंदर, ये बातें पता लग रही। इसका जो मैं तुम्हें टेबल बताया था कैसा होता है, जैसे मान लो मैं सिर्फ दो पार्टनर लेके चल रहा हूँ, कितने पार्टनर हैं, दो, ए और बी दो पार्टनर है, तो ये जो टेबल हमारे पास बनती है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर, उसके बाद पार्टनर ए पार्टनर बी, भाई यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तीसरा, कोई मुझे बताएगा मैंने यहाँ पे तीसरा कॉलम क्यों बनाया, फर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहला है पर्टिकुलर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कौन है भाई, फर्म है, ठीक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, भाई ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है हमारे पास, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट, फिर डेबिट का अमाउंट है, फिर मेरे पास अगला है जो क्रेडिट है उसका अमाउंट, फिर यहाँ पे इसका डेबिट का अमाउंट, फिर यहाँ मेरे पास क्या है, क्रेडिट का अमाउंट। भाई क्या होता है हमारे पास इसके अंदर, अगर मैंने किसी भी केस में पार्टनर का अकाउंट अगर डेबिट कर रखा है तो फर्म का अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट, बात समझ रहे हो, अगर मैंने पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर रखा है तो फर्म के अकाउंट क्या करेंगे हम, क्रेडिट, और अगर मैंने पार्टनर के अकाउंट को क्या हुआ है, क्रेडिट, तो फर्म के अकाउंट में यहाँ पे डेबिट, ठीक है। हम
कैसे पता लगाते हैं कि हमारे पास जो पार्टनर का ये जो मतलब कि सारे के सारे इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं, हम कैसे पता लगाते हैं? बात समझ आ रही है? हम क्वेश्चन को सही कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसे कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास निल आना चाहिए? बात समझ आ रही है? अगर यहाँ पे निल आ गया तो समझो हमारा क्वेश्चन सही ट्रैक पे है, ठीक है। दूसरी बात देखो, पहला ऐसा बता दिया मैंने, एक तो यहाँ पे पहला निल आना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास जो डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं मेरे पे, इसमें होना ऐसा चाहिए कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे 100 क्रेडिट आ रहा है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 100 डेबिट भी होना चाहिए। बातें पता लग गई भाई? यही तो बातें होती है ना हमारे पास, जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो हमारे पास है, क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन चेक करना है कि हमारा सही जा रहा है या नहीं जा रहा, पहला स्टेप मेरे पास है निल आना चाहिए तुम्हारे पास यहाँ पे, और सेकंड क्या होता भाई कि जो हमारे पास एक का जो बैलेंस है क्रेडिट का बैलेंस, वो हमारे किसके बराबर होना चाहिए? डेबिट के बैलेंस के। अगर तुम्हारा ऐसा नहीं होता है, समझो तुम्हारा क्वेश्चन गलत जा रहा है। और भाई सुनो, अगर एग्जाम के अंदर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम्हारा एक क्वेश्चन मतलब एक अगर एक क्वेश्चन की मिस्टेक हो गई ना, तो समझ लेना तुम्हारे परसेंटेज गिर गए। अगर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर तुम भूल जाओगे, तुम्हारे 80 भी क्रॉस करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ उस बात की। इस बार भी अटके हो ना 70 के आसपास सारे सारे, यही हुआ है 11th क्लास में, सब 70 पे अटके हो, ठीक है। ये बातें तो लग गई पहले। फिर हम बात करते हैं जो मेरे पास सिंगल मिस्टेक को इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम इसको चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं आसानी से, मैं अगर चाहूँ इसको तो इसमें कर दूंगा आराम से, ठीक है। कैसे करूँगा वो समझो, जैसे मान के चलो मेरे पास दो पार्टनर थे, मतलब कि दो पार्टनर है ए और बी, तो यहाँ पे जो गलत जो बांटा है ना, वो बांट दिया 1000-1000 रुपये, ठीक है। कितना कितना बांटा भाई, गलत कितना बांटा है 1000-1000, मुझे कितने बांटने थे यहाँ पे, उससे ज़्यादा तो बांटते, तो मेरे पास जो भी, देखो मैं तुम्हें एक ना कॉमन सेंस लगवा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैंने गलत बांट दिए 1000-1000 रुपये, ठीक है। अगर मैं उनसे पहले वापस ले लूँ, बात समझ आ रही है, अगर मैं उनसे 1000-1000 रुपये पहले वापस ले लूँ, ठीक है, और फिर जो सही वाला है वो दे दूँ, सब ठीक हो जाएगा? बात तो क्या बता रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये मैंने तो गलती से 1000 रुपये दिए, ठीक है, लेकिन मेरे को देने थे 1200 रुपये। कितने देने थे भाई? 1200 रुपये यहाँ पर देने थे, ठीक है। तो भाई सिर्फ लेट किया मैंने, कोई उसमें कैलकुलेशन नहीं लगाएगा। मैंने क्या बोला कि मुझे उन दोनों को देने थे 1000-1000 रुपये, मतलब 1200 देने थे, लेकिन मैंने गलती से कितने दिए उनको? 1000-1000 दिए। मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ, एक ना कॉमन सेंस लगाओ माइंड के अंदर। अगर जो मैंने 1000 रुपये इनको मतलब कि दिए हैं, अगर उनको मैं वापस ले लूँ, जो 1000 रुपये मैंने दिए थे उनको वापस ले लूँ और फिर 1200 दे दूँ, ठीक हो जाएगा? ये बातें पता लगी? तो आज ना हम थोड़ा इसको फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। तो अब ना मैं थोड़ा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, फिर देखना किस तरीके से सबका फॉर्मेट पता है ना भैया वाला, सिर्फ समझ छोड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेना, सुनो, और भाई तुम सबके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुए नहीं हुए घर से, एक गारंटी वाला टॉपिक होते ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर जाके कंपनी जो स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर तुम एक बार निकाल लो, तुम्हारे पास है 44 है, इलस्ट्रेशन है तुम्हारे पास 44, उसे निकालो। उसमें देखो क्या कर भाई, जिसके पास बुक नहीं है वो थोड़ा यहाँ फोकस करोगे, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो तीन पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है, उनका रेशियो है 5:3:2, ठीक है, इस तरीके से। सुनो भाई, इसमें क्या लिखा है कि देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, भाई एक बुक पीछे दो, एक बुक। सुनो भाई, क्या यहाँ पे समझो एक मिनट, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, भाई सबसे पहले समझो यहाँ पे क्या बता रखा उसने, फिक्स्ड कैपिटल है, बात समझ आ रही है? बस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, ठीक, उसके बाद इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2 ये इनका रेशियो है। फिर कह रहे कि देयर फिक्स्ड कैपिटल वर, तो उसने क्या बोला, फिक्स्ड कैपिटल, बात समझ आई? तो फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब क्या है, हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे,
पार्टनर्स करंट अकाउंट, बात समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ रही है बात? जैसे मान के चलो, अच्छा अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा होता, अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा होता तो मैं क्या लिखता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही होता ना भाई, ध्यान रखे चलना है। तो मैं इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास फिक्स्ड लिखा हुआ नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड लिखा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, तो इनकी जो कैपिटल है वो है 3 लाख, फिर है 2 लाख और फिर 1 लाख, इस तरीके से इनकी कैपिटल है। समझो अब, तो 3, 2 और 1 कैपिटल इनकी रिस्पेक्टिवली, और कह रहे कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, उसके बाद लिखा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 8%। भाई सुनो आगे वही चीज, उसने क्वेश्चन में क्या बता रखा है, उसने बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10%, भाई कितना क्रेडिट कर दिया गलती से? देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि 10% जो है ना वो गलत वाला है और हमें क्या देना था इसके बदले 8%। ठीक है, ये मेरा सही वाला है, ये बातें पता लग रही है, 10% मेरा गलत वाला है और जो 8% मेरे पास क्या है सही वाला है। उसने लास्ट में बोला कि शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, जो तुम्हारे वर्किंग नोट है उसको एकदम क्लियरली शो करो। ठीक, उसके बाद पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसने क्या बोला, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, किस बात का फॉर्मेट होगा, एडजस्टमेंट एंट्री का। ठीक है, वही मेरे पास है। अच्छा कितनी लाइन के, कितनी लाइन होगा ये, 3 से 4 लाइन होती है मुश्किल से। ठीक है, तो ये डेट और तुम्हारा पर्टिकुलर लेजर फॉर लो, और ये डेबिट का अमाउंट और ये वाला क्रेडिट का अमाउंट। ये तुम्हारे पास डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर लो डेबिट का अमाउंट, ये तुम्हारे पास है क्रेडिट का अमाउंट। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, तुम्हें एक नॉर्मल सी बात पता लग रही होगी, हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक मिस्टेक है ना। हाँ भाई, सिर्फ एक मिस्टेक है, एक से ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं है। देखो अगर ना मैं यहाँ पे देना मान के चलो कि भूल जाता, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे देना भूल जाता, मैं देना नहीं भूला हूँ यहाँ पे, बात समझ भाई। देखो अच्छा भाई एक बात ध्यान रख, चलो हम सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, जो इधर वाला मेथड था ना हम इसी को फॉलो करते हैं, और जो दूसरा मेथड है उसको सिंगल वाले में कर लेगा। वैसे मैंने बता रखा ना किस इसमें करना है उसको, तो उसमें करके चलना। इसमें मेरे पास क्या है, 2 एंट्री होगी, इसलिए हम देख लेते हैं कैसे कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास है, वही बनाना शुरू करते हैं, टेबल शोइंग, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो शुरू कर दो भाई, ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर, उसके बाद है एक्स, फिर है वाई, और उसके बाद जेड, और फिर फ्रॉम पर्टिकुलर ये तुम्हारा है एक्स वाई जेड और ये फ्रॉम। अब देखो इसका डेबिट क्रेडिट, इसका डेबिट क्रेडिट, इसका भी, और फिर इसका, सबका बना दिया मैं डेबिट क्रेडिट। भाई सबसे पहली चीज समझो, उसने गलती से, ठीक है, भाई यहां पे देखो मैं कह रहा हूँ कि उसने जो गलती से कितने रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं पहले साइड में निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, उसने क्या करा है कि 10% गलत वाला है ना। ठीक है, तो पहले जो मेरे पास ना रॉन्ग है, यहाँ मेरे पास है वर्किंग नोट, ये मेरे पास फर्स्ट है, ये वाला वर्किंग नोट, वर्किंग नोट फर्स्ट, और अगला मेरे पास है वर्किंग नोट सेकेंड, जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। वर्किंग नोट सेकेंड है, इसमें पास है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो पहले मैं रॉन्ग वाला निकाल रहा हूँ,
जो गलत कर दिया है। 10% निकालना है सबका, तो पहला एक्स 300,000। भाई सबको एक बात होता है, जब भी 10% निकालते हैं तो बस लास्ट से एक जीरो हटाना होता है, पता है ना। देखो इससे ये, इससे ये, तो सिर्फ एक जीरो हटा दो तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 30,000। ये एक्स का है और वाई का मेरे पास ऐसे ही 200,000 है, तो यहाँ पे 10% और बट्टे में 100 आ गया, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 20,000 आ रहा है। फिर जो जेड है, जेड का है मेरे पास 100,000। 10/100 इज इक्वल टू कितना आ रहा भाई 10,000। ये मेरे पास गलत वाला है, ठीक। तो मुझे बताओ कि अगर ये गलत है, ठीक, मैं तुम्हें क्या बताया कि अगर ये गलत है तो मुझे पार्टनर से इसको ले लेना चाहिए वापस। बात समझ में आ रही है? देखो एक ना कॉमन सेंस लगाओ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है हमारे पास कि भाई जो हमने 10% दे दिया है किसके बदले, 8% के बदले, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि 10% हमने दे दिया गलती से और हमें एक्चुअल में कितना देना चाहिए था 8%। तो जो मैंने 10% दिया है उसको पहले वापस ले लूँ, जो मैंने 10% दिया है क्या करूँगा उसको पहले मैं वापस ले लूँगा, ठीक। तो वापस लेने का मतलब क्या, पार्टनर का जो अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे। पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, पता है ना ये बात, पता है ना कि अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में देते हैं और पार्टनर से कुछ लेते हैं तो उसके डेबिट साइड में, ठीक है। बातें तो लगी। अच्छा बताओ अगर पार्टनर यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो फर्म क्या होगी, यहाँ पे फर्म क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ देखो कितने का डेबिट किया पहले मैंने एक्स को, अच्छा यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एट द रेट ऑफ 10% मैंने दिया है, ठीक, रॉन्गली दे रहा हूँ, गलत जो दिया है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो एक्स को कितना दिया भाई मैंने 30,000। क्या नहीं 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 क्रेडिट साइड तो तब होगा ना जब हम मतलब कि उसको हम देंगे, अभी ले रहे हैं ना पहले वापस, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं तो मैंने 30,000 लिख दिया, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे 10,000। भाई अब मुझे बताओ अगर मैंने इनसे ये इनको डेबिट किया तो यहाँ पे फर्म क्या हो जाएगी, फर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे क्रेडिट। अब भाई सब चुप है ना, ठीक है रोहन बताओ यहाँ फर्म को मैं 30,000 से क्रेडिट करूँगा 20,000 से या 10,000 से। फर्म को यहाँ पे मैं जो क्रेडिट करूँगा कितने से करूँगा, 30 से 20 से या 10 से, कितने से क्रेडिट हो गया फर्म यहाँ पे, गुंजन बताइए। 60 से होगा, ठीक है मैंने अभी बताया था कि भाई थोड़ा यहाँ ध्यान दे जाओ, वो बाद में छपाई हो जाएगी, बोला स्क्रीनशॉट लेते रहना बाद में। भाई 30 है 20 है और 10 है तो मेरे पास कितना था यहाँ पे 60। ये बातें पता लगी क्योंकि हमने तीनों पार्टनर को डेबिट किया है, बात समझ में आ गई, तीनों पार्टनर डेबिट किया है मैंने तो उतने से मेरे पास फर्म क्या हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है। अब सुनो ये पहले मैंने क्या किया, गलत वाला ले लिया उनसे वापस, अब सही वाला देना भी तो है, जो सही वाला है उसको क्या करेंगे हम पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते राइट वाला, तो कितना परसेंट भाई 8%। तो पहला एक्स है हमारे पास 300,000, तो कितना भाई 8% / 100, 20 से 20 कट गया या 3,000 बच रहा है, 3,000 को 8 से तो 24,000। और फिर यहाँ पे एक्स है तो वाई कितना भाई, वाई 200,000, 200,000 8/100 कितना आ जाएगा यहाँ पे 16,000। और फिर यहाँ पे जेड, जेड है मेरे पास 100,000 और फिर 8/100 तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 8,000। ये बातें पता लगी। तो अब ये क्या करूँगा मैं जो पार्टनर है उनको दे दूंगा, बातें पता लगी। देखो जो गलत वाला था मैंने पार्टनर से ले लिया, ठीक है, अब जो सही वाला देना भी तो है तो सही वाला पार्टनर को दे देता हूँ मैं। तो भाई क्या है मेरे पास यहाँ पे, अब लिखूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। भाई ये मैं लिख दे रहा हूँ राइट वाला है, ठीक है, सही वाला है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास ये, तो कितने कितने देने 24,000 इसका मैं क्रेडिट कर दे रहा हूँ, 24,000 और फिर 16,000 और फिर यहाँ पे मेरे पास कितना है 8,000,
हाँ भाई ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब जैसे ही मैंने इसको क्रेडिट किया, फर्म को कितने से डेबिट करूंगा, तो 40,000। तो भाई मेरे पास यहाँ पे आ गया 48,000। बातें पता लगी? हाँ भाई तुम्हें इसमें कोई दिक्कत दिख रही है? अपना सब थोड़ा फोकस करो। मैं तुम्हें क्या बात बताती भाई कि अगर यहाँ पे जो भी आता है, देखो यहाँ पे हमारे पास 48,000 पहले आया, तो जो पहले देखो यहाँ पे क्रेडिट आया मेरे पास, क्रेडिट का मतलब क्या, फर्म के पास प्रॉफिट आ गया, ये तो हुआ था। अगर मैंने सारे पार्टनर से पैसा ले लिया है तो फर्म के पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक, बात समझ आई। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फर्म को दिया, पार्टनर को दिया है, पार्टनर को दिया है ना, तो ये कितना लॉस हो जाएगा, जो डेबिट साइड में आएगा लॉस होगा और जो क्रेडिट साइड में आएगा वो प्रॉफिट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है और लॉस क्या कम है, लॉस कितना कम है, और मतलब कि जो मेरे पास लॉस 12 कम है ना, बातें बता रही, इसका मतलब मेरे पास प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 12,000 है। 60,000 में से 48,000 माइनस कर दिया, देखो 60,000 का प्रॉफिट, उसमें से 48,000 का लॉस माइनस कर दो, 48,000 का लॉस माइनस कर दो, कितने रुपए का प्रॉफिट बच गया, 12 का बटा मतलब 12 रुपए का, 12,000 का बच गया ना। तो ये जो 12,000 का जो प्रॉफिट है कहाँ पर जाएगा, ये पार्टनर में, अच्छा पार्टनर के डेबिट साइड में जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, पता लग रहा क्यों, हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं उसके कहाँ डालते हैं, क्रेडिट साइड में। अगर पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाएगा तो फर्म के डेबिट साइड में, तो भाई फर्म के यहाँ पर लिख दिया मैंने 12,000, भाई 12 को जरा बांटना है इसमें 5, 3, 2 में, कितना कितना आ रहा है, 12,000 को कितना आ रहा है इसमें, पहला 6,000, ठीक है, तो पहला मेरे पास है 6, भाई यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो 6,000, फिर क्या अगला 3,600, हाँ पायल तेज हो गई है, हाँ वो मुझे पता तुम्हारे पास बुक है, तो भाई ये सारी बातें पता लग रही है तुम सबको, अब क्लोज करना शुरू कर दूं, क्या करेंगे, हाँ भाई कितना है इसका 30,000 और इसका 30, तुम्हें पता लग रहा है इसका हम कुछ नहीं करेंगे, जिसका दोनों बराबर आ गए ना इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ देखो, इसका कितना है 20,000 और इसका 19,600, इसका है 10,000 और इसका कितना है 10,400, और फिर सही में अच्छा क्या, इसका कितना आ रहा है 60,000, भाई ये तो बराबर ही आएगा, जो बराबर आता है उसका कुछ नहीं करते, ठीक है। ये देखो ये बराबर आ गया मेरे पास, इसका लिखेंगे निल, तो मैं देख रहा यहाँ भी बराबर है तो यहाँ पे भी निल। भाई मैंने तुम्हें सिर्फ इस पॉइंट के लिए ना, इस पॉइंट के लिए कि कभी कभार पार्टनर का अकाउंट भी बराबर आ सकता है, सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया, वरना इस क्वेश्चन को कराने कोई तुक नहीं बैठता, मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, जिसमें दो पार्टनर डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं और एक मतलब हो रहा होता है, ठीक है, ये सारी बता चुका हूँ बातें। तो यहाँ पे नील आ गया, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट है, तो बता दोनों में से ज़्यादा कौन है, डेबिट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, डेबिट को लिखूँ कितना ज़्यादा भाई 400 है ना, 20,000 उसमें से 19,600 माइनस कर दो, डेबिट ज़्यादा है तो ये डेबिट, ठीक है। इन दोनों में से तुम्हें कौन सा ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है ना, देखो 10,000 है, 10,400, तो यहाँ पे 400 मेरे पास है क्रेडिट का, कोई दिक्कत लग रही है भाई इसको किसी के अंदर, इसके अंदर किसी दिक्कत है किसी को, पता लग रहा है क्वेश्चन खत्म हो गया ये, आ जाओ अब तो कर दो इसे क्लोज। हाँ भाई एंट्री पास हो जाएगी, अब जो मेरे पास वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जेड का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं वाई, अच्छा तुम्हें पता है यहाँ पे वाई का करंट अकाउंट लिखेंगे, पता लग रहा है क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो वाई
करंट अकाउंट डेबिट 400 और टू जेड करंट अकाउंट, कितने समय हमारे पास यहाँ पे 400 है। और सबको नरेशन पता है ना, बिंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भाई थोड़ा लिख लेना इसकी जो एडजस्टमेंट होती है, ओ नरेशन ठीक है। बताओ भाई इन बातों में किसी को अगर दिक्कत लगती है तो, सिर्फ मैंने इस पॉइंट के लिए तुम्हें क्वेश्चन कराया, वरना मैं सही में इसको नहीं कराता। अब सुनो इसके अगले पैदो, सबका हुआ नहीं हुआ ये तुम्हें बन गया समझ आए वाला। सुनो भाई इसके बाद हमारे पास है इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक भाई, जिसके पास बुक है देख लेना एज इट इज तुम्हें सेम मिल जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं हम इसका जो इलिस्ट्रेशन 45 निकाल लो, जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 45 है उसमें हमारे पास जो है कह रहे कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो मेरे पास इस बार तीन पार्टनर हैं, ए है बी है और सी है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 है। ये तुम्हें बातें पता लग रही है ठीक। इसमें कह रहा है कि देयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखा फिक्स्ड, दिखा ब्रैकेट में लिखा हुआ फिक्स्ड, तो इसका भी क्या मतलब है, जो मेरा अकाउंट होगा उसमें मैं करंट अकाउंट यूज करूंगा ठीक है। तो क्या मेरे पास, हाँ भाई ए बी एन सी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो टू रेशियो वन देयर कैपिटल आर 1 लाख फिर जाके 80,000 और 70,000 है। तो कितना कितना है, पहला है मेरे पास 1 लाख, फिर है 80,000 और फिर है 70,000। सुनो भाई तो उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 12%। भाई पता है क्या क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कह रहे कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल मेरे पास है वो 9% इंस्टेड ऑफ 12% है ठीक है। तो उसने बता रखा है कि एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 10%, तो इसका मतलब ये मेरे पास गलत वाला है और ये सही वाला है ठीक। बात है जरा की हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है। हम आते हैं इसके अगले वाले पे जो मेरे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 46 है। अब सुनो भाई सब कर लोगे इसको, करो एक बार स्पीड में जल्दी जल्दी।